इस प्यार के सदके। अब्दुल्ला भी घर आएगा, मैं उसे साफ साफ कह दूंगी कि आपकी बेटी को तलाक भेज दे, खत्म होगी कहानी, बहस में पड़ने की क्या जरूरत है। खुदाफिस, बिल्कुल किसी को तंग नहीं करूंगी, ना कुछ भी बोलूंगी। मैं डिवोर्स नहीं दी ना तुमने उसे अभी तक। मुझे एक बात बताओ, क्या उसे सिर्फ घर से निकाल देने से उसका जो नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ा है, क्या वो मिट जाएगा? मैं देखो, मैं दे दूंगा। But when? That is my question. मुझे तो एक बात समझ नहीं आ रही, जिस इंसान के साथ तुम्हें रहना ही नहीं है उसको अपनी जिंदगी से निकालने से पहले तुम इतना सोच क्यों रहे हो? वो तो मेरे साथ रहना चाहती है ना, कैसे छोड़ दूं मैं उसे? I don't care what she wants. I only care about what you want. और कम से कम अब्दुल्ला, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं चाहती कि मैं एक ऐसे शख्स के साथ रहूं जो ऑलरेडी किसी और का शौहर है। मुझे तो समझ नहीं आता दैट हाउ कैन यू नॉट अंडरस्टैंड दैट आई कांट शेयर यू विद एनीवन। अब्दुल्ला, मुझे बस एक बात क्लियर कर दो, क्या तुम ऐसा चाहते हो? अब्दुल्ला, मैंने तुमसे कुछ सवाल किया? नहीं 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 चाहता, नहीं चाहता, दे दे दूंगा, दे दे दूंगा, दे दूंगा, ओके? Then prove it to me and speak to the lawyer. वशमा, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? क्योंकि मेरा दिल नहीं कर रहा बात करने को। लेकिन इस सब में इस बेचारे का क्या कसूर है? कसूर? वो एक मर्द है, उसका दिल भी बेवफा होगा। मर्द की फितरत में ही बेवफाई होती है। आज तो इतने दावे कर रहा है प्यार के, कल अपना दिल ये किसी और के पीछे फिर रहा होगा। कम ऑन, ऐसा नहीं है वो, एंड यू नो इट। ऐसा तो कोई भी नहीं होता। बकौल मर्दों के उन्हें हालात मजबूर कर देते हैं। पहले सरवर और अब जो अब्दुल्ला ने किया ना, उसके बाद मेरा मर्द जात से दिल ही उठ गया। I cannot trust him, ना ही उसके प्यार पे और ना ही उसकी बातों पे। आप मना कर दें। Are you crazy? गलती किसी ने की और सजा तुम बेचारे एहसान को दे रही हो? मैं ऐसी बेवकूफ़ी तुम्हें हरगिज नहीं करने दे सकती, ओके? कोई बात नहीं, मैं मना कर दूंगी। यू चिल। जाले जो एक लम्हा भी रात को तुम्हारे अब्बा की आंख लगी हो और तू अपनी ये उजड़ी रोनी सूरत लेकर जाएगी उनके सामने, तो उनके दिल पे क्या गुजरेगी? माँ, पता है बड़ा ही दुख हो रहा है मुझे, मैं बिल्कुल भी अच्छी बेटी नहीं हूं। ये किसने कहा तुझसे? अम्मा, मुझे पता है ना, मेरी वजह से तुम्हारा अब्बा रोए चले जा रहे हो। लेकिन अम्मा, मैं खुद से तो ऐसी नहीं हूं ना। और वो डॉक्टर हमाद जो है, उसने मुझे छोड़ के वो नीलो से शादी कर ली, इसमें मेरा क्या कसूर है? और अभी अब्दुल्ला मुझे छोड़ के वो अपनी महबूबा के पास चला गया, उससे शादी कर लेगा। मैंने तो बड़ी कोशिश की थी कि मुझे ना छोड़ के जाए, पता नहीं क्यों छोड़ गया। अम्मा, वो सिर्फ क्या होशियार लड़की ही बनती है महबूबा, मेरी जैसी नहीं बन सकती।
माजबे, ऐसी बात नहीं है बेटा। चाहत में भी और दर्द में, चाहत में भी और दर्द में, इस प्यार के सदके, इस प्यार के सदके। हेलो। ओह हाय। तेरी मैं तुमसे सॉरी कहने आया था। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जीना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जीना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। जैसे साथ हम धनक के वो साथ, सब क्या सोच रहे हैं? बस हां कह दे। मैं हां सुने बगैर यहां से नहीं जा रहा। ये सब मत सोचे यार, ये दोनों बच्चों की खुशी का बात। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम बच्चे। ठीक कह रहे हैं आप, कभी कभी माँ बाप को बच्चों की खातिर ऐसे फैसले भी करने पड़ते हैं जो उन्हें पसंद नहीं होते। मेरे साहब, आपकी जो भी इनसिक्योरिटीज हैं सब दूर हो जाएंगी। शान से हमारे घर का हिस्सा बनेगी, शी बी हैप्पी। और अब्दुल्ला बहुत केयरिंग है, अफेक्शनेट है, बहुत ख्याल रखेगा इसका। ठीक है, मुझे क्या इतराज है, अगर बच्चे खुश हैं तो असल डिसीजन तो इसकी है। बट मेरी एक शर्त है। आप जानता हूं कि बहैसियत बाप आपने अब्दुल्ला को बहुत कुछ सिखाया होगा, मगर एक ससुर के नाते मैं चाहता हूं कि कल से अब्दुल्ला मेरे ऑफिस आए, काम करे। मैं उसको अपना राइट हैंड बनाना चाहता हूं। कोई एतराज? श्योर, ऑफ कोर्स। आप ही उसके बाप की तरह। मैं मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। खैर मुबारक। मुबारक हो। अरे रजिया भाई, चाय लेके आओ। सोच रही हूं क्या पकाऊं आज। जी आप लोग कौन? खैरियत? रिजवान का घर यही है। जी जी मैं यूं बोले। ये चलो इसे। अरे लेकिन आप मुझे बताएंगे कोई कसूर, कोई जुर्म? थाने में चलो, बहुत तफसील से बताऊंगा। वहाँ बहुत टाइम होता है हमारे पास बताने के लिए, सब बताएंगे।
साथ तो चलो। एक मिनट, कैसे साथ चले? और एक मिनट, आप हमारे घर में कैसे घुसाए और मेरे अब्बा को ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? ये क्या कह रहे अब्बा, हमें इस तरह? मैं बात कर रहा हूँ ना बेटा, मैं बात कर रहा हूँ। आप हमें अपना काम करने दें। भाई कौन सा काम करने दें? अब्बा ही क्यों, आपको क्यों लेके जा रहे? लेकिन मुझे बताएं, कोई जुर्म, कोई क्या गुनाह क्या किया है मैंने? लेके चलो इन्हें, चलें आप। ऐसे ऐसे थोड़ी को ले जाता है। अरे सुन बेटा, अरे छोड़ दे उनको, उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दे। अब्बा को कहां ले गए? मेरा फोन किधर है? And posted. Guess what? मैंने स्टेटस लगा दिया। Everyone should know about us. I'm so happy. Me too. इतना अजीब सा me too क्यों? यकीन नहीं आ रहा। यकीन भी आ जाएगा जब तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की पैंट बजेगी। एनीथिंग फॉर यू। बस कर जाओ, सब ऐसे ही कहते हैं शादी से पहले। मुझे लाइक्स चेक करने दो। माई फ्रेंड्स वर सो एक्साइटेड, मैंने सबको बताया था कि न्यूज ब्रेक करूंगी मैं। Why is she calling you? I don't Abdullah, तुमने इसको अभी तक डिवोर्स नहीं दी? देख, मैं ट्रस्ट मी, देखो लिसन लिसन, दे दूंगा कुछ मैं। फोन उठाओ। हाँ? मैं सुनना चाहती हूँ तुम दोनों क्या बातें करते। क्यों छोड़ो ना। प्लीज आई डू इट फॉर यू। हेलो हेलो, वो अब्बू को ले गए। हाँ, कौन ले गए? वो पुलिस वाले ना अब्बू को ले गए हथकड़ी लगा के, ऐसे जैसे अब्बू बहुत बड़े डाकू हो। आप प्लीज उन्हें छुड़वा लाए ना, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है और कोई हमारा जानने वाला भी नहीं है। अच्छा, मैं करता हूँ बात। हेलो, क्या बात हुई? मुंशी जी को तो पुलिस वाले उठा के ले गए। What a drama queen. I can't believe this. You know what? It's okay. तुम्हें जाने तो तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं। बिल प्लीज। मुझे नहीं जाना। मुंशी जी,
बड़े सुकून में लग रहे, कैसे हैं आप? मुझे सलाखों के पीछे कैद करवा के पूछ रहे कैसे, बाहर आने दें मुझे, फिर बताऊंगा आपको, फिर बताऊंगा कि एक गैरतमंद बाप की गैरत को ललकारा जाए तो बात जान लेने पर खत्म होती है। खुदा की कसम, जब तक जान नहीं निकाल दूंगा रुकूंगा नहीं। ऐसी कसमें नहीं खानी चाहिए जो आप पूरी ना कर सके। वैसे तो आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, सलाखों के पीछे रह के आप कम से कम ये तो नहीं देख सकेंगे कि मैं आपकी बेटी की इज्जत को किस तरह रोलता हूं। दूर रहना उसे। जी जी, आप तो मुझे बिल्कुल ही नहीं समझते, दूर ही तो नहीं रहा जाता। काश, और वो हकला वो तो उसे मोहब्बत भी नहीं करता, उसे तो मैं खुश रखूंगा। जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, खुदा की कसम जान से मार दूंगा। आहिस्ता बोले, चीखे मत, ये ना आप ही मर जाए। करने की जरूरत नहीं है, मैं अल मैनेज, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, लेकिन वो पापा को ले गए पता नहीं क्यों। आपको तो पता है ना कि वो कोई चोरी नहीं की है और वो कोई डाका भी नहीं किया है, तो पता नहीं क्यों ले गए। आपको तो पता है पुलिस वाले बहुत मारते हैं। मैं बस ये कह रही थी कि वो आप तो कर सकते हैं ना, आप तो बड़े लोग हो, तो अगर प्लीज अब्बा को अगर आप लोग छुड़वा दो वहां से। सारी जिंदगी ईमानदारी से सिर्फ इज्जत ही कमाई थी, और वो पुलिस वाले उसी इज्जत को अपने जूतों से रोनते हैं उन्हें लेकर। हमारी तो पहुंच किसी तक नहीं है बेटा, हम तो सिर्फ आपको और बेगम साहिबा को जानते हैं। आप लोग कुछ करें, आप बेगम साहिबा से कहना कि मुंशी जी को छुड़वा दें, कहना। हाँ, आप लोग कहेंगे तो वो छुड़वा देंगे, अब्बा घर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हाँ मैम, अब मैं बात करता हूँ, मैं आई स्पीक टू माय लॉयर्स। आप लोग प्लीज टेंशन नहीं लें, ओके? मैं बताता हूँ। Yeah.
जैसे साथ हम धनक के वो साथ जैसे साथ धनक के वो साथ जी 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 ही इज माय फादर इन लॉ जी यस प्लीज आई टेक गारंटी ऑफ हिम यू जस्ट रिलीज हिम एज सून एज पॉसिबल क्या थैंक यू सर हाँ आपको पता है मुंशी जी को पुलिस उठा के ले गई थी जानती हूँ सर्वर ने सब कुछ बता दिया मुझे आप जानती थी हम मुंशी जी हमारे वो बहुत पुराने एम्प्लॉय हैं आप कैसे कर सकती हैं बेटा पुराने एम्प्लॉय जरूर हैं लेकिन वफादार नहीं थे ईमानदार नहीं थे कितने सालों से करप्शन कर रहे थे पिटी सैड और फिर इस घर में अपनी बेटी देके ना हमें इमोशनली ब्लैकमेल करता रहा वो हॉरिबल पीपल मॉम लिसन दिस मिसअंडरस्टैंडिंग खैर तुम अपने डिवोर्स पेपर्स फाइनल करो ताकि तुम इस सब मेस से निकल सको और आगे शांति से शादी कर सको इज़न्ट दैट व्हाट यू वांट व्हाई यू वरीड अबाउट दीज पीपल मत फंसो इस मसले में सर्वर है ना वो संभाल लेगा ट्रस्ट मी यू वरी अबाउट योर लाइफ एंड योर फ्यूचर आगे की तरफ देखो तुम चलो शाबाश मारा है आपको कैसे रो गए इनको छोटे बड़े की तमीज नहीं है आप इन सबसे बड़े इन्होंने आप पे कैसे हाथ उठाया इनकी तो शिकायत होनी चाहिए कैसे मार सकते हैं आपको आपसे चला भी नहीं जा रहा सही अब्बा आपको उन्होंने कैसे मारा है यही आदमी हसी उम्र में बड़ा हो बेटा बड़े आदमी के सामने छोटा ही रहता है रोते नहीं है अल्लाह पूछेगा नहीं खुदा गारत करेगा अब्बा मैंने ना अब्दुल्ला से बात की है अब्दुल्ला आपको यहाँ से छुड़वा देंगे आप घर वापस आ जाएंगे जल्दी बड़े आदमी है ना अब्दुल्ला उनकी तो ये लोग सब बात मानेंगे हम आपको बहुत याद करते हैं इसलिए मैंने कहा भाई जल्दी से ले आओ अब्बा को वापस हमसे रहा नहीं जा रहा आ जाएंगे ना आप है ना आ जाऊंगा बेटा किसी पर इतना मान नहीं करते जाऊंगा ख्याल रख रखोगी ना ठीक है जाओ दोबारा नहीं आना आ जाऊंगा मैं रखना आ जाएंगे
नाइस कलर है ना। हे दिस इज अ क्यूट कलर। दिस इज नाइस। होल्ड दिस अब्दुल्ला, ये भी क्यूट है ना। ये भी अच्छा है। ये भी पकड़ लो। नाइस अब्दुल्ला, ये वाला भी प्लीज। तुम ये ट्राई करो ना, ये वाला। अच्छा मैं ट्राई करके तुम्हें दिखाती हूँ। हाँ हाँ। अब्दुल्ला को ना मैं फ़ोन कर रही हूँ बार बार, पता नहीं फ़ोन ही नहीं उठा रहे। यकीनन किसी काम में लग गए होंगे ना। हाँ मसरूफ तो होगा ना, जानता है कि हम फ़ोन क्यों कर रहे हैं। नहीं नहीं अम्मा, अब्दुल्ला ऐसे नहीं है, अब्दुल्ला अच्छे हैं ऐसे। बुरा तो कोई भी नहीं होता माँ, जब अपनी जगह सब अच्छे होते हैं। ये तो जब वक्त बदलता है ना तो लोगों का बुरा रुख भी नजर आ जाता है। हाँ लेकिन अब्दुल्ला ने वादा किया था ना मुझसे, उन्होंने कहा था कि वो अब्बा की जमानत करवा लेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारी मदद करेंगे। छोटी उम्मीद ना लगा किसी समाज पे, उम्मीद लगानी है तो अल्लाह से लगा। अच्छे बुरे हर वक्त में वही हमारे साथ है और कोई नहीं। छोटी उम्मीद लगाएगी तो दुख होगा और ये मैं नहीं चाहते। उठो चलो। कहाँ? मॉम से बात करने। आज भी तेरे अब्बा को हमारे वहां जाना अच्छा नहीं लगेगा। अब्बा को बताएगा कौन? आपको पता है ना माँ, वहां जेल में पीट पीट के लाल कर दिया अब्बा को, क्या हालत कर दी है। हमें कुछ करना पड़ेगा ना। मैं तो कहती हूँ मॉम से जाके अभी बात करते हैं। मॉम को तो पता भी नहीं होगा, जब पता चलेगा ना कि अब्बा के साथ क्या हो रहा है, एक फोन उठाएंगी वो, उनकी बड़ी ऊंची पहुंच है, फोन मिलाएंगी और अब्बा घर पहुंच जाएंगे। चलो ना अम्मा। अच्छा दो मिनट रुक, मैं आती हूँ। चलते हैं। हमें नहीं पता था। मैं तो सिर्फ अब्दुल्ला से कहने के लिए आई थी कि वो अब्बा मेरे वो जेल में है ना, तो
उनको प्लीज छुड़वा दीजिएगा। हम आपसे मदद मांग सकते हैं, हम तो और किसी को भी नहीं जानते। तो बस वो आप देख लीजिएगा कि अब्बा जेल से निकल के आ जाए वापस घर। हम इंतजार करें। बाकी हम लोग जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज। और आपको बहुत मुबारक हो। और अगर आप ख्याल रखने वाली को दूसरी ले आए तो मेरा क्या होगा? मैं कसम खाता हूँ, मैं तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। थैंक यू। उस पल की क्या ही बात हो जिस पल में तेरा साथ हो, उस प्यार के सदके। इतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं प्यार करती हूँ भी सच्चा वाला। वशमा, अब्दुल्ला तुम्हें कब से फोन कर रहा है? तो फोन क्यों नहीं उठा रही हो अपना? कॉल करता है तो करता रहे, मुझे नहीं करनी उससे बात। बहुत बड़ा हो गया, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है। महाजबीन से सारे रिश्ते खत्म कर दिए ना, मुझे भी नहीं रखना उसके साथ कोई रिश्ता। देखो खूनी रिश्ते इतनी आसानी से टूटते होते ना, तो आज कोई रिश्ता बचा नहीं होता। भाई ये तुम्हारा बहुत मोहब्बत करता है वो तुमसे। मैं कुछ नहीं जानती, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ उसने उस मासूम के साथ बहुत गलत किया है, और आप फौज की साइड बिल्कुल ना लें। हेलो। हेलो, कैसी हो? मुझे आपसे बात नहीं करनी है। कमाल है, तो मेरी सारी बातें तुमसे शुरू होती हैं और तुम पर ही खत्म। और रही बात बात ना करने की, तो उसका नुकसान तुम्हें ही होगा। तुम्हें बहुत प्यार है ना अपने अब्बू से, तुम अपने अब्बू के लिए क्या कर सकती हो? मैं अपने अब्बा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी? हाँ कुछ भी कर सकती हूँ, सर भी फोड़ सकती हूँ किसी का। और आपको क्या है, आपको क्या फर्क पड़ता है? एक मैं ही तो हूं जिसको फर्क पड़ता है, मैंने इन बड़े लोगों को हमारी कोई कदर नहीं। मैंने तुम्हें कहा था ना, इनके सामने हमारी कोई हैसियत नहीं, बस ये हमें इस्तेमाल करते हैं, और जब इनका मतलब पूरा हो जाता है तो उठा के बाहर फेंक देते हैं। महाजबीन, मैं तुम्हारी सच में मदद करना चाहता हूं,
आप क्यों करना चाहते हैं मेरी मदद? आपकी वजह से तो मुझे अब्दुल्ला ने घर से बाहर निकाल दिया। गलत, मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। मैंने ऐसा क्या कह दिया था, क्या किया था मैंने? सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार किया था तुमसे, मोहब्बत ही मांगी थी मैंने, और कुछ भी नहीं। अगर उस वक्त तुम हां कर लेती तो ये नौबत ना आती। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी तुम अपने अब्बू को बचा सकती हो अगर तुम चाहो तो। मेरी अभी तक वही ऑफर है, बस हां कह दो और मैं तुम्हारे सारे दर्द समेट लूंगा। तुम्हारी अब्दुल्ला से तलाक हो जाएगी और उसके बाद हमारी शादी, और तब तक तो तुम्हारे अब्बू भी घर आ चुके होंगे। आजबीन, तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया, बहुत कुर्बानियां दी, अब तुम्हारी बारी है। तुम क्या करो, क्या तुम उन्हें जेल से निकालो या फिर जिंदगी भर उन्हें वहां सड़ने दो? तुम्हारी हां तुम्हारे बाप की और हम सब की जिंदगी बदल सकती है। इस प्यार के सदके